अक्षर आलं होतं, काय वाटतं गोलंदाजीमध्ये काही चुका होत्या आणि त्या सुधारण्याचा आता प्रयत्न असेल? हो नक्कीच, कारण की आमचे दोन बॉलर नाही खेळत आहेत, त्यामुळे जरा प्रेशर तर नवीन गोलंदाजांवर असणारच। आणि या महत्वाच्या सामन्यासाठी आपल्या संघामध्ये काही चेंज करणार आहात का? नाही तोच संघ आहे। थँक्यू मॅन, ऑल द बेस्ट सूरज। आतिश, अगदी 2 मिनिटापूर्वी एक चित्र पाहिला, युतिका स्पोर्ट्स संघाने चांगली फलंदाजी केली होती, आपल्याला प्रथम क्षेत्ररक्षण करायचं आहे, तर काय वाटतं किती धावांपर्यंत थांबवावं लागेल युतिका स्पोर्ट्स संघाला जेणेकरून आपला संघ त्या धावांचा पाठलाग करेल? 60 तर 65 आतमध्ये त्यांना थांबवायचा प्रयत्न असेल आमचा। आणि त्यासाठी कुठल्या गोलंदाजांकडून जास्तीत जास्त अपेक्षा आहेत? संतोष मडवी आणि राजन चांगले, त्याच्याकडून अपेक्षा आहे का चांगली ओवर टाकावी? नक्कीच, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं की संतोष मडवीने फलंदाजी नक्कीच चांगली केली होती परंतु गोलंदाजीमध्ये काही चुका झाल्या होत्या, तर आपल्या संघामध्ये काही चेंजेस? नाही, काही चेंजेस नाही। आणि या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल आपण काय सांगाल, आतापर्यंत कशाप्रकारे हे आयोजन आपण पाहिलं आहे आणि कशाप्रकारे ही स्पर्धा एन्जॉय केली? चांगलं आयोजन केलं आहे आणि कालेरच्या ग्राउंडवर नेहमीच खेळायला एक वेगळीच मजा असते, चांगलं आयोजन आहे त्यांचं। थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट आतिश। तर मित्रांनो, क्वार्टर फायनल सामन्याची नाणेफेक झालेली आहे, सूरज खिणे युतिका स्पोर्ट्स संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे। ओटो कॉमेंट्री बॉक्स। देखिए, 5 ओवर का मुकाबला है, तुरंत ही एनआर बोरपाड़ा आपको अपना फील्ड सजाना है, हमारे अंपायर्स आपको मैदान में जाना है। युतिका वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू द बैट फर्स्ट। दरम्यान एक पारितोषिक या ठिकाणी आम्ही देणार आहोत आयोजकांच्या वतीने। चौकारांची हॅट्रिक मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिली होती संदीप तरे यांच्या बॅटमधून, त्यांना एक आकर्षक ट्रॉफी आणि 444 रुपयांचं रोख पारितोषिक देण्यात आलेलं आहे। सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन संदीप तरे। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट गेम ऑफ T2 इन दिस कालेर कप 2018, द सेकंड क्वार्टर फायनल मॅच ऑफ द टूर्नामेंट between Yutika Sports and NR Borpada. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना विनंती असेल, आपण आता सराव थांबवायचा आहे आणि NR Borpada संघ आपण क्षेत्ररक्षण लगेचच सजवायचं आहे, त्याचप्रमाणे युतिका स्पोर्ट्स संघाला विनंती असेल आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा। अतिशय रोमांचकारी क्रिकेट आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहे। कालच्या दिवसातील शेवटची लढत जी क्वार्टर फायनलची लढत झाली होती बी इंडियन आणि रमणीक स्पोर्ट्स ओवळी या दोन संघादरम्यान, तो सामना देखील अतिशय चित्तथरारक असा सामना होता आणि नुकताच संपन्न झालेला सामना युतिका स्पोर्ट्स विरुद्ध महेंद्रा स्पोर्ट्स, अतिशय रोमहर्षक लढत आपण पाहिली आणि या सामन्यामध्ये देखील क्रिकेट रसिकांना अपेक्षा असेल की रोमहर्षक सामना होईल युतिका स्पोर्ट्स विरुद्ध NR Borpada। युतिका संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय, प्रत्येकी 5 षटकांचा हा सामना। दोन्ही संघांना आयोजकांकडून हार्दिक शुभेच्छा, त्याचप्रमाणे विनंती देखील असेल की आपण वेळेच्या बाबतीत प्लीज सहकार्य करा, आपल्याला जास्तीत जास्त षटकं खेळण्याची संधी या ठिकाणी बंद्रा मारुती स्पोर्ट्स कालेर यांच्या वतीने देण्यात आलेली आहे। बॅट लाईटची अपील कुठल्याही संघाची स्वीकारली जाणार नाही आणि कुठल्याही परिस्थितीत हा सामना पूर्ण केला जाईल।
सलामीची जोडी खेळपट्टीवर पोहोचते वैभव पाटील विथ सूरज किणी. तर पुन्हा एकदा संधी आहे या ठिकाणी वैभवकडे. मागच्या सामन्यामध्ये पहिल्या चेंडूवर चौकार प्राप्त केला होता परंतु त्यानंतर लगेचच बाद झाला होता. तर कुठेतरी ती इनिंग्स विसरून या ठिकाणी डावाला प्रारंभ करावा लागेल आणि एक दमदार सुरुवात देण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. पहिलं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय संतोष मडवी. भिवंडी सिटी टेनिस क्रिकेटचा जर विचार केला तर एक महान असा अष्टपैलू खेळाडू अर्थात संतोष कित्येक वर्ष सातत्याने चांगली कामगिरी करतोय. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं आहे. सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय फलंदाज वैभव. पहिला चेंडू अप्रतिम चेंडू गुडलेन क्षेत्रामध्ये पडल्यानंतर चांगला बाउन्स त्या ठिकाणी प्राप्त केला होता आणि अतिशय वेगाने टाकण्यात आलेला हा चेंडू फलंदाजाला बीट करतोय. आणि हेच वैशिष्ट्य आहे संतोषच्या गोलंदाजीचं. कुठल्याही खेळपट्टीमध्ये चांगला बाउन्स तो प्राप्त करू शकतोय. चांगली उंची आहे आणि त्यानंतर बॉलिंग ॲक्शन आपण पाहिली तर अप्रतिम एक चांगला रिदम पाहायला मिळतो. आता मात्र बॅक ऑफ लेंथ खटखण्याचा प्रयत्न झाला. पुन्हा एकदा बीट होतोय फलंदाज वैभव. चांगली सुरुवात करतोय गोलंदाज संतोष मडवी. एनआर बोरपाडा संघाने आज सकाळी बालाजी स्पोर्ट्स संघाचा पराभव केला होता पहिल्या सामन्यात. तर दुसरीकडे आपण पाहतोय युतिका स्पोर्ट्स संघाने नुकत्याच झालेल्या सामन्यामध्ये महेंद्रा स्पोर्ट्स संघाला पराभूत केलं. पुढचा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र चांगला कनेक्शन आणि चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषेपलीकडे. षटकार. बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पढ़ लिया था. हालांकि अधिक छोटी गेंद नहीं थी और रिवेट भी कितना जल्दी था. एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा और जैसे ही गेंद ने टिप्पा खाया और पावरफुल 6 रन. पहले दोन चेंडू निर्धाव. दडपण वाढलं होतं फलंदाज वैभववर परंतु प्रेशर रिलीज करताना दिसतोय. एक चांगला प्रहार आडव्या बॅटचा फटका होता परंतु डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. आणि षटकारानं आता मात्र खातं उघडलं जात आहे वैभव पाटीलचं त्याचप्रमाणे युतिका स्पोर्ट्स संघाचं. मागच्या सामन्यामध्ये देखील षटकाराने खातं उघडलं होतं. षटकार मारला होता पहिल्या चेंडूवर आणि त्यानंतर बाद झाला होता वैभव. व्हॉलेंटियर्स आपल्याला विनंती असेल आपण मैदानामध्ये चेंडू द्यायचा आहे त्याचप्रमाणे सीमारेषेचा ताबा देखील घ्यायचा आहे. पहिली दोन षटकं पॉवर प्लेची आणि पॉवर प्लेच्या या पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय एक डीप मिड विकेट आहे आणि त्याच दिशेने फटका देखील खेळण्यात आला होता परंतु एक आत्मविश्वास वाढवणारा फटका होता. संपर्क अतिशय चांगला चेंडू आणि बॅटमध्ये. एक क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनच्या दिशेने दिसतोय. मिड ऑफच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक. ऑन साईडला सर्कलच्या आतमध्ये एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि एक वाईडिश मिड विकेट. चांगला चेंडू चांगला कम बॅक करतोय गोलंदाज. आपटी दिली जाते चेंडूला आणि जास्तीत जास्त बाउन्स प्राप्त करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पंचांनी केलेला आहे गोलंदाज संतोष मडवीयास. 4 चेंडू टाकून झालेले आहेत. धावसंख्या बिनबाद 6. 3 निर्धाव चेंडू आणि 1 षटकार असं विश्लेषण आतापर्यंत या षटकाचं. बंद्र्या मारुती मंदिराच्या टोकाकडून गोलंदाजी होते. चेंडूच्या वेगात बदल केला अप्रतिम चेंडू. लाईन तीच होती परंतु चेंडूची लेंथ बदलण्यात आली होती. खोलवर टप्पा ठेवला आणि चेंडूच्या वेगामध्ये अप्रतिम असा बदल केलाय.
गोलंदाज संतोष मडवी स्वतःचा अनुभव या ठिकाणी पणाला लावतोय आणि आतापर्यंत एक चांगलं षटक संतोष मडवीकडून. षटकातील शेवटचा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र अखो टप्प्याचा चेंडू आणि नो बॉलचा इशारा. बाउन्सर या अगोदर देखील एक बाउन्सर केला होता. रमीज रईस और शकील कोटी दोनों सेकेंड 1/4 ओवर का पहले ही इशारा आया था. ये ओवर में दूसरा बाउंसर किया था इसीलिए नो बॉल घोषित किया और फ्री हिट यहां पर दिया जा रहा है. नुकताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मध्ये आपण T20 सामना पाहिला होता बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका आणि शेवटच्या षटकामध्ये मात्र दोन अखो टप्प्याचे चेंडू हाताळले होते गोलंदाज आणि श्रीलंका संघाच्या. त्यानंतर मात्र तो सामना थोडासा वादाच्या भोवऱ्यामध्ये आला होता. बांगलादेशच्या खेळाडूंनी आक्षेप घेतला होता पंचांच्या निर्णयावर. यस, इसका मतलब है कि रमीज रईस और शकील कोटी वहां चाहिए थे. खोलवा टप्पा लोअर फुलटॉस चेंडू फायदा उचलता येत नाहीये. वेगाने बीट होतोय फलंदाज आणि अशा प्रकारे पहिलं षटक समाप्त. फ्री हिट चेंडू होता त्याचा फायदा उचलता आला नाही. धावसंख्या बिनबाद 7. बहुत बढ़िया. और संतोष मडवी एक ऐसे खिलाड़ी हैं पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं वो और ऋषि पटेल पानियर के ये दो ऑलराउंडर 20 साल से अपने आप को ये बता रहे हैं कि वो टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं. एवरग्रीन खिलाड़ी है. तो मात्र 7 रन पहले ओवर की समाप्ति. हालांकि विकेट कोई भी गिरा नहीं है. सूरज किने स्ट्राइक के लिए तरसते रह गए पहले ओवर में. सभी गेंदों का सामना किया वैभव पाटिल ने. नए ओवर लेकर तैयार होते वे गेंदबाज मुंडोरा एंड से राजन. राजन पाटिल मैन फ्रॉम दापोडे. और इस समय मिड ऑफ की दिशा में दापोडे के एक और खिलाड़ी हर्षद. राजन ने भी लगभग वही फील्ड ली है जो संतोष ने ली थी लॉन्ग ऑन. और छोटी गेंद हुक कर दिया है. फील्डर पीछे नहीं है. गेंद वन बाउंस पर बाउंड्री के बाहर. 4 रन. बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा. सूरज केने को अच्छी तरह से पता था कि वे क्या कर रहे हैं, फील्डर कहाँ पर है. एक नियंत्रित शॉट माना जा सकता है क्योंकि खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे. इस बार पहले ही मन बना लिया था रिवर्स खेलने का प्रयास. जैसे ही बीट हो गए निराशा साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलकती हुई. फील्डर्स को देखते हुए बैटिंग करने का प्रयास करते हैं सूरज केने. इस बार टोपर लगी है. फील्डर मौजूद दीप में. बेहतरीन कैच और पहले विकेट का पतन होता हुआ. अभी थे डीप में और पूर्वानुमान काफी अच्छा. उनको पता था कि थोड़ा सा आगे दौड़ना जरूरी है. हल्का सा अपनी दाहिनी तरफ वो दौड़े थे क्योंकि स्ट्रोक काफी फ्लैट खेला गया था. एक हाथ बल्ले के ऊपर से छूट गया था. एक ही हाथ से स्ट्रोक खेला और बिल्कुल बल्ले के टो पर लगी, निचले हिस्से पर लगी. और सूरज खेने 4 रन बनाने के बाद आउट हुए. रन संख्या 11 एक विकेट के नुकसान पर. आप देख रहे इस समय कालेर कप 2018 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला युतिका स्पोर्ट्स सोनाले और एनआर बोरपाड़ा के बीच में.
नए बैट्समैन बलवंत दलवी बायत के बैट्समैन है। पिछले मैच में नंबर 4 पर आए थे और 13 रनों की एक उपयोगी पारी भी खेली थी बलवंत ने। तो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ, आंखें हट गई थी गेंद के ऊपर से, गेंद की रफ्तार को नहीं परख पाए थे, किसी तरह से खेलने में कामयाब रहे। एक रन बहुत जल्दी खेल बैठे थे, थोड़ी धीमी गति की गेंद की थी राजन ने और एक किफायती ओवर यहां पर घटता हुआ राजन। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की जिम्मेदारी है बल्लेबाजों पर। पहले ओवर में सिर्फ 7 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक सिर्फ 5 रन, तो पावर प्ले का ज्यादा लाभ उठा नहीं पाए है युतिका के बल्लेबाज। इस बार इनसाइड एज पहले बाउंस पर पहुंचती हुई आतिश पाटिल के पास और फिर से एक रन लेने का अवसर। काफी प्रयास कर रहे वैभव पाटिल, लेकिन एक स्ट्रोक उनका निकाल दिया जाए तो उसके अलावा आत्मविश्वास ज्यादा देखने को नहीं मिला है उनकी बल्लेबाजी में। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब पावर प्ले की आखिरी गेंद मुंडोरा एंड से राजन पाटिल, प्लान मिस डॉट बॉल और इसके साथ ही पावर प्ले की समाप्ति। अच्छा रहा ये पावर प्ले एनआर बोरपाड़ा टीम के लिए। युतिका स्पोर्ट्स का स्कोर केवल 13 रन एक विकेट के नुकसान पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। यस आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम युतिका स्पोर्ट इन मैंडेटरी पावर प्ले। दे आर प्लेइंग अ पुअर प्ले, ओनली 13 ऑन द बोर्ड, 3 ओवर्स आर लेफ्ट नाउ। एनआर प्लीज कोऑपरेट अस एज फार एज टाइम कंसर्न। नियंत्रित गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है संतोष मडवी और राजन पाटिल द्वारा। मडवी आक्रमण जारी रखते हुए बहुत ही खूबसूरत शाम ग्राम पंचायत कालेर के इस खूबसूरत बंद्रिया मारुति कालेर क्रिकेट ग्राउंड पर। वैभव के पास स्ट्राइक है, इस बार लेंथ बॉल टॉप एज लगा है, कौन कैच करेगा? गेंदबाज का कॉल और अच्छा कैच, कॉटन बोल्ड विकेट का पतन होता हुआ। राइजिंग डिलीवरी थी, सूरज की तरह चढ़ती चली गई थी, परफ्यूम बॉल। पहले ओवर में अपने उछाल से तंग किया था वैभव को और अब बलवंत उनके सामने। गति परिवर्तन पुल किया है फील्डर मौजूद दीप में और कोई गलती नहीं की जहीर ने, एक और विकेट का पतन। Oh,
इसे कहते हैं तजुर्बा, इसे कहते हैं अनुभव, परिस्थितियों को अच्छी तरह से भापना। देखा कि ऑन साइड में जो हवा है वहां पर यदि खेलेंगे, मतलब हवा के विरुद्ध खेलेंगे, गति ज्यादा दी नहीं, मजबूर किया कि ऑन साइड में पुल शॉट खेले और उस पर विकेट प्राप्त किया। इसलिए तो कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। जी हाँ, अनुभव जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता है। 13-3 संकट की स्थिति में युतिका स्पोर्ट्स। एक और मिस टाइम शॉट, लेकिन इस बार विकेट कीपर के काफी दूर थी। डीप में से भी फील्डर दौड़ रहे थे लेकिन किसी के लिए मौका नहीं था कैच करने का। सिंगल लेने का अवसर वहां पर पवन के पास। स्कोर मात्र 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। युतिका लेकिन एनआर बोरपाड़ा की गेंदबाजी के सामने पारी कहीं ना कहीं चरमरा गई है, थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई। नए बैट्समैन पंकज सामना करते हुए संतोष मडवी का। पंकज के लिए एक कवर पॉइंट, एक गली और थर्ड मैन। बहुत बढ़िया गेंद, कमाल की गेंदबाजी की है इस मैच में संतोष मडवी ने। पहले मैच में 2 ओवर में 29 रन खर्च किए थे, महंगे साबित हुए थे, लेकिन क्या सीख ली है उन्होंने पहले मैच से। अब तक सिर्फ 11 रन खर्च किए हैं, सॉरी 11 गेंदे की है और सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट्स प्राप्त किए हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो गलतियों से सबक सीखता है वही टिकता है और कई बार वही अंत में जीतता है। फिर से गेंदबाज बहुत ही चतुर है, फिर से अच्छा उछाल प्राप्त किया, ढकेल दिया बैट्समैन को बैकफुट पर, क्रीज में पीछे चले गए थे लेकिन कोई संपर्क नहीं बना पाए पंकज। एक और डॉट बॉल और एक और सफल ओवर की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर्स के बाद युतिका स्पोर्ट्स केवल 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और ऐसा लगता है कि 8वीं मर्तबा क्या एनआर सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये तो बड़ी अच्छी आदत है एनआर बोरपाड़ा टीम को कि सेमीफाइनल तक कई बार वो पहुंच जाते हैं। इस सत्र में 7 बार इससे पहले सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है ये टीम 16 टूर्नामेंट्स में। ये 17वां टूर्नामेंट है सिटी क्रिकेट का। युतिका स्पोर्ट्स को काफी काम करना बाकी है बल्लेबाजी में। अब सिर्फ 2 ओवर का खेल बचा है। गेंदबाजी में परिवर्तन, आतिश पाटिल आक्रमण पर आते हुए। धन्यवाद अजय गरत। आतिश पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन पवन। इस मरतबा स्विच इट, कैलकुलेटेड 6, गजब का शॉट। हालांकि पवन बाएं हाथ के बैट्समैन है, नहीं दाएं हाथ के बैट्समैन है। स्विच इट खेला था वहां पर, गजब का शॉट। देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रोक है। मेरे साथी कमेंटेटर भी भूल गए कि वो दाएं हाथ के बैट्समैन है या बाएं हाथ के बैट्समैन। शॉट ही वैसा खेला था उन्होंने। और चुनौती आप देते हुए पवन, स्कोर 20 पे पहुंचा है। 360 डिग्री में खेल सकते हैं पवन, मैदान के चारों दिशाओं में स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता है। इस बीच लंबा हिट भी जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। पहला हवा के साथ स्विच हिट और दूसरा हवा के विरुद्ध बॉटम हैंड का गजब का इस्तेमाल। 2 लगातार छक्के और बॉलिंग क्रीज पर बहुत अच्छा स्वागत होता हुआ आतिश पाटिल का, एनआर के कैप्टन गेंदबाजी करते हुए। मेरे ख्याल से प्रतीक पाटिल टीम में शामिल नहीं है इस मैच के लिए, उस वजह से कप्तान ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है गेंदबाजी की और महंगे साबित होते हुए। स्कोर उछलता हुआ युतिका स्पोर्ट्स का, 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जिसकी जरूरत थी, सख्त जरूरत थी जिस चीज की, वो चीज यहां पर अपनी टीम को देते हुए पवन केणे।
छक्कों की हैट्रिक पर पवन किनी लगाते हैं तो 666 रुपए। इस मरतबा फिर से रिवर्स शॉट खेला है, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद हैं, एक रन स्कोर में भरता हुआ। तो छक्कों की हैट्रिक तो नहीं पूरी कर पाए, लेकिन एक अच्छी पारी खेलते हुए पवन किनी 14 पर पहुंच चुके हैं। अब स्ट्राइक पंकज के पास, दोनों भी गोरसई के खिलाड़ी है और गोरसई भी एक जबरदस्त गांव है। भावेश पवार वहां से आए, पवन केने, सूरज केने और पंकज, कई बेहतरीन खिलाड़ी। इस बीच अगेन लंबा हिट और ये भी जाएंगी मैदान के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रन। कहानी में काफी ट्विस्ट आ गया है। पहले 3 ओवर में मात्र 14 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में जो कि अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 19 रन आ चुके हैं। और छक्कों में डील करते हुए बल्लेबाज पवन केने और पंकज। इस मरतबा एक और आसमानी टोला, फील्डर मौजूद है और अब पवन के ने पवन के खिलाफ खेलते हुए आउट। पंकज आउट हुए हैं। लालच बुरी बला होती है। एक छक्का लगा चुके थे, फिर से छक्का लगाने की कोशिश, और इस ओवर में तो 3 छक्के पहले ही लग चुके थे, लेकिन ऊंचाई ज्यादा मिली, बल्ले की थोड़ी सी ऊपर भी लगी थी गेंद, और अच्छा कैच लेते हुए अभी एकाएक मैच में वापसी करती हुई युतिका। यही खासियत है कि युतिका ने 1 कप जीता है, 2 की रनर्स रही है इस सीजन में। महेंद्रा 1 कप जीता है, 1 की रनर्स रही है। बालाजी ने 1 कप जीता है। एसपी दापोडे ने 1 कप जीता है। 1 कप विनर टेम्बोली ने जीता है। आतिश पाटिल इस मरतबा अंदर लगी है, गेंद पीछे की ओर सरक रही है, लंबा फासला नहीं रोक पाए, 4 रन। इस ग्राउंड की खासियत रही है कि विकेटों के पीछे ढेर सारे रन्स बनते हैं, बाहरी किनारा लगे, अंदरूनी किनारा लगे, टॉप एज लगे। एक बार शॉट थर्ड मैन और शॉट फाइनल को आप बीट कर दे तो फिर 4 रन कई बार मिल जाते हैं। तो किस्मत वाले 4 रन यहां पर पवन के खाते में जाते हुए। महंगा ओवर समाप्त हुआ आतिश पाटिल का, कुल मिलाकर 23 रन खर्च किए, 4 ओवर के बाद 37 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर युतिका स्पोर्ट्स। इरफान शेख ने इस वक्त नई बस्ती से ऑल द बेस्ट कहा है एनआर बोरपाड़ा को। इरफान शेख आपका इस्तकबाल है। आखिरी ओवर के लिए जहीर तैयार होते हुए, और जहीर ने पहले मैच में किफायती ओवर किया था, अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए। क्रिकेट है, कभी किफायती ओवर रहता है और कभी शिकायती ओवर रहता है, यही तो अच्छा मतलब मजा है खेल का। जहीर
राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बढ़िया गेंद, लेन गेंद थी, पिछले पांव पे खेले थे वहां पर बैट्समैन संदीप तरे। अब संदीप तरे भी ये भूल गए कि पिछले गेंदबाज अलग थे और ये गेंदबाज अलग है। पिछले मैच में उन्होंने जो आखिरी ओवर में 24 रन लिए थे सुरेश पारदी के ओवर में, वो कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा था। अब देखना इस ओवर में कितने रन लेते हैं। बैट्समैन वही है, गेंदबाज अलग है, मैच अलग है। जहीर मुड़ते हुए फिर से अच्छी गेंद, आंखें हट गई थी शॉट खेलते वक्त, गली पे गेंद को उठाया लेग बाय, एक रन से 36 पे पहुंचा है, 38 पर युतिका का। चार गेंदे बची कुछ करने के लिए और इनिंग की समाप्ति के बाद तुरंत ही फील्ड सजाना है युतिका स्पोर्ट। मेरे ख्याल से यहां से 50 एक पहला टारगेट हो सकता है बल्लेबाज के मन में। जाहिर बढ़िया गेंद, तेज रफ्तार की गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई, छोटी गेंद नहीं थी, समझ बैठे थे बैट्समैन। जी हाँ, आगे खेलने वाली गेंद इस तरह से खेला जैसे शॉर्ट पिच गेंद हो और गेंद में उछाल काफी कम क्योंकि गेंद आगे रखी हुई थी। तीन गेंदे अब पारी में शेष। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जाहिर, इस मरतबा घूम के मारा है शॉट को और बढ़िया कैच, हर जगह संतोष मडवी। पलट हमारे बॉलीवुड के गाने हैं पलट का, और 3 मिनट तक सिर्फ म्यूजिक बची। अब किसको पलट का ये नहीं पता, खेल तो पलट गया है। पिछले ओवर में 23 रन कहा और इस ओवर की 4 गेंदों पर मात्र 1 रन कहा, पर 18 रन बनाकर आउट हुए पवन। गीतकार भी एक से बढ़कर एक है, बहुत मशहूर हुआ था पप्पू कांड डांस वाला कि पप्पू नहीं नाच सकता है, अभी वो कह रहे हैं कि डीजे बजेगा तो पप्पू नाचेगा। जाहिर ये देखिए फिर से गेंद परीक्षा लेती हुई पहुंची, यही संदीप तरे थे जिन्होंने सुरेश पारदी को दिन में तारे दिखाए, अब जाहिर दिन में तारे दिखा रहे हैं संदीप तरे को। पूरा जोर लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना तेज डालने की कोशिश, लेकिन गति के साथ साथ उन्होंने अनुशासन भी रखा। एक रन दिया और 1 विकेट लिया 5 गेंदों पर, क्या गेंदबाजी कर रहे जहीर। तीसरा ओवर गया था पक्ष में युतिका के, जहीर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बढ़िया गेंद फिर से डॉट, क्या कमाल का ओवर किया वहां पे जहीर ने, 1 रन और एनआर को 39 रनों का लक्ष्य रखा है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। क्या लगता है अजय गरत, दिस इज नॉट इनफ टोटल, 5 ओवर में 39 रन और कालेर के क्रिकेट ग्राउंड पे, मानो ऐसा है कि शेर के जबड़े से गोश के लोतरे को निकालना है, बहुत मुश्किल काम युतिका के सामने। बिल्कुल, यदि ये मैच युतिका जीतती है तो एक तरह से कीर्तिमान भी स्थापित हो सकता है इस टूर्नामेंट का, क्योंकि नहीं 39 पे उन्होंने मैच निकाला था लेकिन धोबी तालाब स्टेडियम में। जी बिल्कुल, लेकिन इस टूर्नामेंट का जहां तक सवाल है, क्योंकि ये लोवेस्ट टोटल भी है इस कालेर कप का, इससे पहले मैगी 11 ने 41 रन बनाए थे 5 ओवर्स में, तो 5 ओवर्स के मैचेस में इस टूर्नामेंट में सबसे कम टोटल 38 रन 39 की चुनौती है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और युतिका स्पोर्ट्स के पास भी जुझारू गेंदबाज है, क्षेत्र रक्षक है, लेकिन उतना आसान काम नहीं रहेगा ये रन्स बचाना। बहरहाल तारीफ यहाँ पर करनी पड़ेगी गेंदबाजों की, खासतौर पर संतोष मडवी, राजन और जहीर की, कमाल की गेंदबाजी की है और एनआर के कैप्टन तो काफी खुश रहेंगे अपने गेंदबाजों के इस प्रदर्शन से।
प्रशांत मात्रे और बंटी छिलके, प्रशांत मात्रे फिट नहीं है, हालांकि पिछले सीजन से लेके इस सीजन में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। जी हाँ, खासतौर पर जो बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ था पाइनियर के विरुद्ध भी इंडियन ट्रॉफी में, बेहतरीन आखिरी ओवर किया था प्रशांत ने। तो 39 रनों का लक्ष्य है पांच ओवर्स में जीतने के लिए। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से केवल 7.80 प्रति ओवर के हिसाब से। एनआर के कैप्टन अपने सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है। तो पारी की शुरुआत होने में थोड़ा सा वक्त है, तो थोड़ा सा समय मेरे पास है। कल की रूपरेखा आपको देता चलो। कल का पहला मुकाबला कालियर कप 2018 का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच और बड़ा मैच, पाइनियर स्पोर्ट्स बनाम धनेश इलेवन कुक से। क्षेत्ररक्षण सजाना है और सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है एनआर बोरपाड़ा। कल का दूसरा मुकाबला जो कि एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा जीएम स्पोर्ट्स और एसपी दापोड़े के बीच में। कल का पहला मैच ठीक सुबह 9 बजे शुरू होगा, उसके बाद दो सेमीफाइनल मुकाबले रहेंगे और आखिर में कालियर कप 2018 का ग्रैंड फिनाले। रमनिक स्पोर्ट्स ओली सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पाइनियर स्पोर्ट्स और धनेश इलेवन में से जो भी जीतेगा रमनिक स्पोर्ट्स से खेलेगा सेमीफाइनल में, जो कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा। उसके बाद इस मैच की विजेता टीम जो कि इस समय खेला जा रहा है, जो कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है, और जीएम स्पोर्ट्स और एसपी दापोड़े के बीच में क्वार्टर फाइनल मैच में जो भी जीतेगा वो टीम भी सेमीफाइनल में पहुंचेगी, तो वो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा। एनआर के प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं बिंदास लसने और संतोष मडवी। बहुत ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है और देखना है रणनीति कैसी रहती है खासतौर पर बिंदास की। हालांकि कई बार हमने देखा है कि छोटा टोटल भी रहता है तो वो अपना स्वाभाविक खेल खेलना ही पसंद करते हैं। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सूरज खेने, ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा पैर उनका स्लिप हो गया था, फिसल गया था। डेड बॉल, तेज गेंदबाज के लिए ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस रिदम के साथ तेज गेंदबाज भागते हैं संतुलन यदि चला जाए, फिसलन हो वहां पर रनवे पर, तो फिर दिक्कतें आ सकती है, खिलाड़ी चोटग्रस्त भी हो सकते हैं। थोड़ी सी अब मिट्टी वहां पर गेंदबाज ने खुद डाल दी है। कदमों का इस्तेमाल, हवा में खेला, डाउन द ग्राउंड, 6 रन, बेहतरीन स्ट्रोक, बिंदास की शानदार शुरुआत। पहली गेंद पर छक्का, इस बार पुल करना चाहते थे, देखना है, फील्डर के पास चली गई है और किनारा लेकर चली गई थी, कोई रन नहीं। थर्ड मैन थोड़ा सा फाइन है, फाइन लेग को भी हल्का सा फाइन रखा है वहां पर, क्योंकि गेंद विकेटों के पीछे कई बार बाउंड्री के बाहर जा चुकी है, बाउंड्री के बाहर जाती है वहां से, उस वजह से थर्ड मैन और फाइन लेग फाइन रखे हुए है। सूरज खेने लंबे बॉलिंग रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार जोरदार स्लैश करने की कोशिश, फिर से बीट हुए,
एक और अच्छी गेंद और अच्छी वापसी करते हुए सूरज किणे। युतिका स्पोर्ट्स को इस मैच में संघर्ष करना है तो शुरुआत में विकेट्स निकालने बहुत जरूरी, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं है जितना युतिका के कैप्टन चाह रहे थे। केवल पवन किणे ने शानदार बल्लेबाजी की, 7 गेंदों में 18 रनों का योगदान दिया। इस बार पुल किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पूरा स्क्वायर लेग खाली था, स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से खेला और 4 रन प्राप्त किए। फिर से इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए और फिर से स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान शेख साहब, जिन्होंने कमेंट्री पैनल की काफी सराहना की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बिंदास लसने, बिंदास शॉट खेल रहे, वही अंदाज बिंदास का जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रन संख्या 14, और इस बार स्वीप करना चाहते थे, क्लीन बोल्ड, पहले विकेट का पतन होता हुआ। मालूका क्रिकेट में 3 चीजें अजीब हो रही है, मुश्किल से 5 से 7 ओवर रहे होंगे जहां पे पहले ओवर में सूरज केने और उसामा ने विकेट ना लिया, और 5 से 7 ऐसी इनिंग रही होंगी जहां 10 के नीचे आउट हुए वो मतिन। एक और गेंदबाज मुझे याद आते हैं जो चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं, ज्ञानेश्वर। जी हाँ, ज्ञानेश्वर भी एक ऐसे गेंदबाज है जिनको मैंने कई बार देखा है उनके पहले ओवर में विकेट गिरता ही है। आउट हुए बिंदास, लेकिन एक अच्छी शुरुआत देने के बाद 14 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, 1 ओवर की समाप्ति, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर एनआर बोर पड़ा। अब बची हुई 24 गेंदों में मात्र 25 रनों की दरकार, जल्द से जल्द टारगेट को हासिल करने का प्रयास था बिंदास का। सोच यही थी कि मैच को आखिर तक लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है और पावर प्ले के जो 2 ओवर से उसको मैक्सिमाइज किया जाए, जितने हो सके उतने ज्यादा रन पावर प्ले के ओवर्स में बनाए जाए। नए बैट्समैन अब क्रीज पर, बायत के बल्लेबाज कैप्टन आतिश पाटिल। सूरज पश्चिम की तरफ झुकता हुआ, परछाइयां लंबी होती हुई, स्टैंड्स की जो साये है वो अब मैदान के अंदर आते हुए, और सुनहरी धूप है इस समय मैदान के अंदर। दर्शन की पहली गेंद स्कूप किया है और बढ़िया कैच, लाजवाब कैच, दूसरा झटका लगता हुआ एनआर बोरपाड़ा को। बहुत बड़ी विकेट, संतोष मडवी 0 पे आउट। ये जो विकेट था ये फील्डर का विकेट ज्यादा पकड़ा जाएगा, जिस तरह से पीछे भागते हुए उस कैच को लिया है। और युति का स्पोर्ट भी एक बहुत क्लियर स्ट्रिक्ट टीम है, अजय गरत इस तरह तो मैच को इतने आसानी से देने नहीं वाली है। जी निश्चित रूप से, समय में कॉपरेट करे। और देखिए क्रिकेट कितना महान अनिश्चितताओं का खेल है। संतोष मडवी पहले मैच में गेंदबाजी में कहीं ना कहीं फ्लॉप रहे, बल्लेबाजी में सुपर हिट रहे, इस मैच में गेंदबाजी सुपर हिट रही उनकी, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ भी नहीं कर पाए, पहली गेंद पर 0 पर आउट हुए। इसका मतलब यही है कि हर एक गेंद नई होती है, और जैसे कि कहा भी जाता है कि संसार में हर जो चीजें हैं वो पल पल परिवर्तित रहती है, बदलती रहती है। बिल्कुल, बदलते रहना संसार का नियम है। आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने वो सारी जिंदगी तो नहीं पहन सकते, बदलते रहना चाहिए।
बढ़िया गेंद, बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई, लेकिन बढ़िया टाइमिंग, और कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे यहाँ पर आतिश पाटिल। क्या बेहतरीन क्रिकेट, सटीक यॉर्कर थी लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से फ्लिक कर दिया था आतिश ने। बहुत खूबसूरत शॉट खेला था वहां पे, बल्ले को बहुत जल्दी नीचा कर दिया था बैट्समैन ने। जी हाँ, क्योंकि ज्यादा ऊपर बल्ला उन्होंने उठाया ही नहीं था, छोटी बैकलिप का उपयोग किया और सफाई से खेला गेंद को। स्कोर 16 रन। इस बार फुल टॉस इनसाइड एज और विकेट कीपर से तो रुकी नहीं, पीछे फील्डर भी फंबलिंग करते हुए। 1 रन मिलेगा यहां पर, 2 की कोशिश है और हट। ओ, बैट्समैन रन आउट, आतिश पाटिल रन आउट होते हुए। कोई रिस्पांस नहीं दिया था नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन ने और आतिश पाटिल का कीमती विकेट युतिका ने हासिल किया है। ऐसे लग रहा है ये मैच भी रंग लाएगा पिछले मैच की तरह। क्या एक रोमांचक लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा, कहानी में यहां से और ज्यादा रोचकता क्या आ सकती है, बड़े सवाल है। कमर कस ली अब युतिका ने भी, आर या पार। स्कोर इस समय 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मेरे ख्याल से गलती आतिश की थी क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ज्यादा नहीं है और यहां पर 1 रन से भी संतुष्ट हो सकते थे। दूसरे रन की जल्दबाजी की उन्होंने और काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे, वापस लौटना चाहा लेकिन तब तक काम तमाम हो चुका था। बिल्कुल, खाड़ी के किनारे ग्राउंड है, आर पार की लड़ाई कालेर में होती भी और खाड़ी पार कुलशेत है। नए बल्लेबाज अभिनय पाटिल उर्फ अभी, दोनों भी नए बल्लेबाज है। क्रीज पर इस चीज का कितना फायदा उठा पाएंगे गेंदबाज युतिका स्पोर्ट्स के, ये देखने वाली बात है। पावर प्ले अभी भी चल रहा है, यहां से और 22 रनों की जरूरत। बढ़िया ड्राइव लेकिन सीधे फील्डर के पास, ओ हो हो, बढ़िया कैच और एक और विकेट का पतन होता हुआ। क्या कैचिंग कर रही युतिका, सूरज केने ने कितने आसानी से उस कैच को ले लिया है, मानो इतना अच्छा ड्राइव था ऑन द राइज। और ये मैच अब बैलेंस पोजीशन पे आता हुआ, एनआर की चौथी विकेट गिरी है और योग है इस वक्त केवल 17 रन। कमाल की वापसी की है इस मैच में युतिका स्पोर्ट्स ने और कमाल का वर्ड आ रहे हैं दर्शन, लगातार बल्लेबाजों को पवेलियन के दर्शन करा रहे। दर्शन पिछले मैच में नहीं खेले थे और उनकी कहीं ना कहीं कमी भी खलती हुई नजर आ रही थी बॉलिंग में, लेकिन इस मैच में बहुत ही शानदार वापसी की है। फुल ब्लेडेड शॉट था और बहुत अच्छा एंटीसिपेशन मिड ऑफ पर सूरज कीने का, बहुत जल्दी उन्होंने अपनी बाई तरफ मुंह करना शुरू कर दिया था। देखिए, जब पहले ओवर में 3 गेंदों में 14 रन बने थे तो ऐसे लग रहा था मैच बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा 5 गेंदों में। शकील कोटी लगभग अपना मोबाइल निकाल चुके थे, लेकिन यह मैच तो और लंबा होता हुआ। युतिका चाहेगी कि और इसको लंबा खींचा जाए, आखिर तक लेकर जाए गेंदबाज और वहां से फिर जीतने की भी कोशिश हो सकती है। एक और नए बल्लेबाज क्रीज पर, हर्षित चौधरी। सामना करते हुए हर्षद, ओ ये भी मौका बन सकता था, मुश्किल अवसर। कॉटन बॉल की कोशिश की थी लेकिन करारा ड्राइव था, आखिरी गेंद पर 1 रन, 1 गेंद अभी भी इस ओवर में शेष। स्कोर 18 रन, पहले ओवर में 14 रन और ओवर की आखिरी गेंद पर बिंदास आउट हुए थे। बिंदास जब आउट हुए उन्होंने भी सोचा होगा कि उनका काम तो हो गया है, लेकिन उनको क्या पता था कि दर्शन अलग ही काम से गेंदबाजी में उतरे हैं। जी हाँ, जिम्मेदारी जो सौंपी गई दर्शन की कंधों पर उसको अच्छी तरह से निभाते हुए। 1 विकेट रनआउट के रूप में गिरा है, 2 विकेट दर्शन के खाते में, 1 विकेट मिला है सूरज खेने को। स्कोर इस समय 4 विकेटों के नुकसान पर 18 रन। 19 गेंदे शेष है और यहां से जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर दर्शन, ओवर पेच बल्ले की जड़ से खदेड़ा है,
शॉर्ट कवर में और एक तेज सिंगल। तो ओवर समाप्त हुआ दर्शन का सफल ओवर की समाप्ति 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। आखिरी तीन ओवर्स आज के दिन के खेल में शेष है और एनआर बोरपाड़ा को इन तीन ओवर्स में चाहिए 20 रन। तो अभी भी आवश्यक रन रेट उतना चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जो चार विकेट्स गिरे हैं उस वजह से थोड़ी सी चिंता है, एनआर के खेमे में थोड़ी सी खलबली मच गई है। हालांकि अभी भी दो क्लासिकल अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज है क्रीज पर, हर्षद और अभिनय पाटिल। उन्नीस रन चार विकेटों के नुकसान पर पावर प्ले समाप्त हुआ है और पावर प्ले समाप्त होते ही फील्ड को खोल दिया गया है। थर्ड मैन फाइन लेग दोनों भी सर्कल के अंदर रखे हैं। बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट एक और खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, एक स्वीपर है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। सूरज के ने अपना दूसरा ओवर लेकर मैट का फेस खोला है, शॉर्ट थर्ड बैन पर फील्डर मौजूद, एक रन। ये समझदारी का परिचय देते हुए अभिनय पाटिल जानते हैं कि आवश्यक रन रेट उतना ज्यादा नहीं है, परिस्थिति अभी भी बल्लेबाजों के नियंत्रण में ही नजर आ रही है, बस कुछ देर गुजारनी है यहाँ पर, कुछ वक्त गुजारना है विकेट पर। कप्तान ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है गेंदबाजी की। सूरज एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, अच्छा ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर और फंबल होता हुआ। अब एक एक रन बचाने की चुनौती है, इस तरह से रन खर्च करेंगे तो फिर मैच किस तरह से जीत पाएंगे। पंकज थे वहां पर, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन चार विकेटों के नुकसान पर। छोटा टोटल है लेकिन अच्छा संघर्ष करती हुई नजर आ रही है युतिका स्पोर्ट्स। इस बार ऊपरी सिरा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन। शॉट तो अच्छा नहीं था लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता हुआ। अब 25 पे पहुंचा है स्कोर, धीरे धीरे अब 14 रन चाहिए 15 गेंदों पर। तो रिक्वायर रेट अब 6 रन प्रति ओवर से भी नीचे आता हुआ, गेंदे ज्यादा रन्स कम चाहिए। धीमी गेंद लेकिन उसको पहचाना और लॉफ्ट कर दिया है, दन दनाता हुआ सिक्सर। गति में परिवर्तन किया था लेकिन बहुत जल्दी भाप लिया था, जैसे ही गेंद हाथ से छूट गई थी उसको परख लिया था हर्षद ने, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही शानदार छक्का। और अब पूरी तरह से इस मैच पर पकड़ अपनी बना ली है एनआर बोरपाड़ा टीम ने। रन संख्या 31, 31 रन, केवल 8 रन दूर है जीत से। चौदह गेंदे और 8 रनों की जरूरत, स्कोर 31, 31 रन। सूरज एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, एक और कमजोर गेंद और उस पर फिर से कड़ा प्रहार, एक और छक्का। मैच को इसी ओवर में समाप्त करने की कोशिश यहां पर हर्षद की, फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला। सूरज केने के लिए यह मैच याद रखने वाला नहीं है, बल्लेबाजी में भी सिर्फ 4 रनों का योगदान दिया था और गेंदबाजी में तो काफी महंगे साबित हुए हैं। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए, उसके बावजूद दूसरा ओवर करने आए, अब मात्र 2 रन दूर है जीत से एनआर बोरपाड़ा। पुल करने का प्रयास लेकिन ज्यादा छोटी गेंद नहीं थी, अच्छी कीपिंग विकेट कीपर संदीप की।
समाप्त हुआ सूरज का स्पेल और समाप्त हुआ ये तीसरा ओवर। स्कोर 37, 37 रन। बिल्कुल सही कहा आपने, समाप्त हुआ सूरज का स्पेल और सूरज भी डूबने जा रहा है। मैच में वापस लेकर आए थे दर्शन और कहीं ना कहीं वहां पर गेंदबाजी में बदलाव की आवश्यकता थी, क्योंकि सूरज का ऐसे लग ही रहा था कि दिन नहीं है। पहले ओवर में भी खासे महंगे साबित हुए थे, लेकिन कप्तान की अलग सोच थी, सोचा उन्होंने कि इस ओवर में वे वापसी करेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और दूसरे ओवर में 18 रन खर्च किए। दोस्तों कालेर कप का कल मेगा फिनाले और सुपर वेडनेसडे रहेगा, उसके बाद हम आपको सिटी क्रिकेट में मिलेंगे, क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग में, एमएलए ट्रॉफी भादवड़। स्कोर में थोड़ा सा करेक्शन है, एक रन की मात्र जरूरत है, स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। और लीजिए करारा प्रहार है लेकिन फील्डर के पास, बढ़िया कैच, ऐसे लगा कि शायद ये छक्का होगा लेकिन नहीं, अभी आउट होते हुए पांचवे विकेट का पतन। हम स्कोरर की जानिब से क्षमा चाहते हैं कि पिछले ओवर में एक गेंद पर दो रन जो बने थे वहां पर एक ही रन लिखा गया था, तो 19 रन आए थे पिछले ओवर में। होता है ऑफिशियल स्कोरर से भी गलतियां, इंटरनेशनल में होती है, लेकिन राजू ने भले से एक रन कम लिखा, अगर हम उनको 500 और 100 की नोट दे तो वो पकड़ेंगे 500 की। तो केवल औपचारिकता है खेल में शेष है, 11 गेंदें बची है और एनआर को चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मात्र एक रन। हर्षद के पास स्ट्राइक, मैच विनिंग शॉट खेलने का मौका, बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट, 4 रन मिलेंगे और इसके साथ ही आज के दिन का खेल समाप्त। एनआर बोरपाड़ा सेमीफाइनल में, हार्दिक अभिनंदन एनआर बोरपाड़ा टीम एंड हार्ड लक यूतिका स्पोर्ट्स।